मैंने अपने दूसरे सिस्टम में खोला ये, तो मैंने जैसे ही अपने सिस्टम में यहाँ पे नेट पे कुछ भी सर्च करा तो ये कैप्टी पोर्टल अपने आप खुल गया। तो हमने जैसे वहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करा था, यूज़र वन, उसका पासवर्ड हमने रखा था 123, और वाउचर कोड हम एक वहाँ से कॉपी कर लेंगे जो हमने पहले, ये वाला कोड तो हमने एक्सपायर कर दिया, तो कोई और कोड लेते हैं, इसको लेके देखते हैं भाई। इसको लॉगिन करके देखते हैं, ये देख बैकग्राउंड और लोगो जैसे जैसे मैंने सेलेक्ट करा था सेम एज इट इज यहाँ पे सेम वही आ रहा है। और अब हम अपने इस पे लॉगिन कर लिया है, अब हम नेट कुछ भी चला सकते हैं। पहले मैं कुछ भी सर्च कर रहा था तो कैप्टिव पोर्टल का लॉगिन पेज खुल रहा था। अब हम एक बार ही जाके अपने उसी सिस्टम पे दोबारा चेक करते हैं कि अब हमारा स्टेटस क्या है, कैप्टिव पोर्टल पे कौन कौन से यूजर्स एक्टिव हैं कौन से नहीं। अब ये जो मैक एड्रेस आया है, मैंने अभी इसी यूजर नेम से वहाँ पे कैप्टिव पोर्टल में भरा था, ये आ गया। और यहाँ पे हम इसको ये भी चेक कर सकते हैं, अगर हम इसी वाउचर को यहाँ पे डाल के देखते हैं कि कितने देर के लिए अभी एक्टिव है, इसकी क्या स्टेटस है। यहाँ पे शो हो रहा है मेरे को, हो गए होंगे 2 मिनट ऑलमोस्ट, कि दिस कोड इज एक्टिव एंड गुड फॉर 118 मिनट्स। इसमें हमें ये चेक करना था कि कैसे हम वाउचर्स क्रिएट करेंगे, कैप्टिव पोर्टल क्रिएट करेंगे और कैसे यूजर उसको एक्सेस करेंगे।